कुछ बारीक कटे हुए टमाटर और कुछ प्याज और सारे मसाले भी हमने रख रखे हैं। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे बनती है मैक्रोनी। सबसे पहले जो है हम अपने कुकर में कुछ ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अब ऑयल पड़ चुका है और इसको थोड़ा सा गर्म होने का टाइम देना होगा हम लोगों को। तो गाइस जैसे कि हमारा ऑयल जो है पूरी तरीके से गर्म हो गया है, वो अब इसमें जीरा डालेंगे और फिर इसमें जो है हम हींग डालेंगे। अब हमने इसमें जो है कुछ हींग डालेंगे। तो गाइस अब हम लोग इसमें कुछ कटे हुए प्याज डालने वाले हैं। चलिए डालते हैं। तो गाइस जब तक इसको ब्राउन ना कर लें हम लोग इस प्याज को, तब तक हमें इसको धीमी आंच में धीमी फ्लेम में पकाना रहेगा और इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। गाइस इसमें डालने के लिए हमें कुछ पेस्ट तैयार करना होगा, जैसे कि इसमें हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर ले रखा है और ये 1.5 चम्मच होगा और इसमें बस हम लोग 1 चम्मच हल्दी डालने वाले हैं। ये हमने इसमें हल्दी डाल दी है। और गाइस ये है साउथ फ्लेवर का गर्म मसाला, बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है ये, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये भी मिक्स करेंगे। तो जैसे कि हमने इसमें गर्म मसाला भी डाल लिया है, अब हम हमारा पेस्ट भी पूरी तरीके से तैयार है, इसको मिक्स करके बस हमें अब इसमें डालना होगा। जैसे कि गाइस हमारे प्याज जो है पूरी तरीके से हो चुका है, हमें इसमें टमाटर डालना होगा। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के हमने इसको पूरी तरीके से मिक्स कर दिया है और 2 मिनट और वेट करना होगा ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। कुछ टाइम वेट करना होगा ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए और फिर इसके बाद हम लोग इसमें अपने मसाला वाला पेस्ट जो है वो इसमें डाल देंगे और फिर इसमें हम लोग मैक्रोनी बनाएंगे। तो अब हम लोग इसमें मसाला डाल रहे हैं और मसाला डाल के तुरंत ही गाइस जल्दी से हमें इसको मिक्स करना होगा। तो गाइस जैसे कि हमारी प्योरी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, बस अब हमें इसमें मैक्रोनी मिला के मिक्स करनी होगी पूरी तरीके से। तो गाइस हमने जैसे कि मैक्रोनी इसमें डाल ली है और बस अब हमें इसको मिक्स करना होगा और इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिलाने वाले हैं, वो भी अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले अभी हम इसको अच्छे से पूरी तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे। तो गाइस ये है नमक जिसको आप अपने स्वाद अनुसार अपने इसमें डाल सकते हैं। गाइस ये है लाल मिर्च जिसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डालती हूँ और आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। बस डालने के बाद तुरंत ही हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो गाइस जैसे कि हमें इसमें बस वाटर अप्लाई करना होगा और इसमें हम लोग वाटर डालेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने 1 ग्लास वाटर ले रखा है, वो इसमें मिला देंगे पूरी तरीके से। तो गाइस जैसे कि हमने इसमें 3 ग्लास पानी डाला हुआ है और हम इसमें 1/2 ग्लास पानी और डाल रहे हैं। तो जैसे कि हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, हमें सिर्फ 10 मिनट्स के लिए कुकर को बंद करना होगा और इसको जो है हमें पकने देना होगा। तो गाइस कुकर को बंद करने से पहले हमें इसमें कुछ जो है मैगी मसाला या मैजिक डालना है जिससे हमारा टेस्ट अच्छा बन जाए खाने के लिए, और ये डालने के बाद बस हमें इसको मिक्स कर लेना होगा। तो हम लोगों ने कुकर बंद कर दिया है और 10 मिनट्स वेट करना होगा और उसके बाद हम ये कुकर खोलेंगे और फिर देखते हैं कि हमारी मैक्रोनी कैसी बनती है। 10 मिनट हो चुके हैं, हमें इस कुकर को खोलना होगा और देखते हैं कि अंदर क्या होता है, कैसी मैक्रोनी बनी होगी हमारी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी 10 मिनट वाली मैक्रोनी तैयार है और बस अब हमें इसको सर्व करना है। तो गाइस जैसे कि हमारी मैक्रोनी पूरी तरीके से तैयार है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं अपने घर में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम पास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और बना के आराम से खाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।